ये शानदार लग रहे हैं। मुझे कॉमेडियन होना चाहिए। हाँ, दरवाजे पर कोई है, मैं जाकर देखती हूँ। आखिरकार वो चली गई। चलो अब मस्ती करें, बहुत मजा आएगा। मैं कब से ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही थी। वो काफी असली लग रही है। कभी कभी मैं खुद को ही हैरान कर लेती हूँ। अब उसे बदल देंगे, असली एक ड्राइंग के साथ ही रख देते हैं। हे लूना, एज ट्राई करना चाहोगी? बिल्कुल, ये वाला ट्राई करती हूँ। रुको, ये तो ड्राइंग है। पकड़ी गई, ये असली एग्स है और ये मेरे हैं। यम्मी, ये गलत बात है। कितना प्यारा डिलीवरी मैन था। एक सेकंड रुको, मेरे एग्स कहाँ हैं? तुम एक चोर हो। ओ, पकड़े गए। अब एक ही चीज हो सकती है। ग्रानी, नहीं, ये क्या हुआ? क्या ग्रानी चुड़ैल है? तो तुम्हें ड्राइंग पसंद है? खैर, तो आप चैलेंज करते हैं। ये कोई मजाक है? मुझे लगता है ग्रानी पागल हो गई है। बेहतर है। ओहो, जरा रुको, एक सेकंड रुको, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? हाँ, अब मैं बोल सकती हूँ। पहला चैलेंज शुरू करते हैं, एक प्यारा सा टेडी बेयर बनाओ। सच में? वाह, क्या बकवास है, ये आसान होगा। ये देखो, एक प्यारा सा टेडी बेयर। रुको, ये अच्छा नहीं है, इस बेयर को फेंक दो। दोबारा ट्राई करते हैं। पता है, ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा। पर इतना अच्छा भी नहीं है। मैं एक ग्रानी को नहीं दे सकती, वो डर जाएंगी। अब मैं क्या करूं? ये काफी मुश्किल लग रहा है। जरा रुको, मैं समझ गई, मैं मैजिक बटन इस्तेमाल करूंगी। उम्मीद है ये काम करे। प्लीज ये हो जाए। वाओ, जरा इसे देखो, एक मिस्टिकल पेंसिल, शानदार है। जरा ये कलर्स देखो। तो चलो, मैं छोटे स्पाइरल्स बनाती हूँ इस तरह, और ये मल्टी कलर्ड होंगे। लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। आर्म्स हो गई, अब बाकी की बॉडी बनाएंगे। ग्रानी इसे देखेंगे तो हैरान हो जाएंगी। पर ये परफेक्ट होना चाहिए, ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफी लग रहा है। अब चेहरा बना सकते हैं, इसकी बड़ी सी स्माइल। ये बेयर बहुत खुश है, ये एक लव हार्ट पकड़ कर रखेगा। इससे बेहतर और क्या होगा, इसे रेड कलर कर देंगे। मुझे इसे देखकर बहुत खुशी हुई, काश मेरे पास ऐसा टेडी होता। ग्रानी, मैंने बना लिया। हाँ, ये क्या था? एनी, ऐसा मत करो। मुझे ध्यान से करने दो, पेपर खुद से नहीं कटेगा। हमें यहाँ ड्राइंग करनी है। तुम क्या कर रही हो? तुम जानकर क्या करोगी? ये सीक्रेट है, मुझे यही तो चाहिए। अब काम पर लग जाते हैं। मुझे ग्लो चाहिए, इसे पेपर पर लगा देंगे। अब एक और सर्कल लगाएंगे, ये मेरे बेयर की आंख होगी। एक और लगानी होगी, इसे यहाँ लगा देते हैं। सही लग रहा है, ये इसका मुंह होगा। इस पर थोड़ी ग्लू लगा देंगे। अब इस पर दांत लगाएंगे, एकदम शार्प टीथ। ये मजेदार है, और ये कोई आम बेयर नहीं है, इसके पिंक हॉर्न्स होंगे। वाह, जरा इसे देखो, ये एक मास्टरपीस है। पिकासो को ये देखकर गर्व होगा। रुको, कुछ मिसिंग है, मुझे इसे फ्रेम करना होगा। अब इसे गैलरी में टांग सकते हैं। हो गया। वाह, ये तुम्हारा बेयर है क्या? ओ, तुमने पूरा कर लिया, मैं देखती हूँ। हाँ, ये अलग है, लगता है तुम दोनों जीत गई। बहुत अच्छे, ये कोई मजाक है, मुझे चलेगा। जरा यहाँ शेडिंग कर देते हैं, यहाँ भी। उन्हें पता है ना हम यहाँ हैं? मुझे नहीं लगता। लगता है ये तैयार है। ये रहा अगला चैलेंज, एक खूबसूरत ड्रेस। पेपर कहाँ है? ये क्या है? ओ अच्छा, मैं ठीक कर सकती हूँ, ये लो। क्या? अरे, उन्होंने ये कैसे किया? मुझे सिर्फ यही मिला। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, पर पहले मैं सोडा खत्म कर लूँ। मैंने ज्यादा ही पी लिया, मुझे टॉयलेट जाना है, इमरजेंसी है। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी। थैंक्स ग्रानी। वो कहाँ जा रही है? जहाँ भी जाए। अब मैं क्या करूँ? एक सेकंड, शायद मेरे बैग में कुछ है। ओह, मुझे इसे साफ करना होगा। क्या ये बग है? कितना प्यारा है। कुछ
मैं तुम्हें पाल सकती हूँ। जाना जरूरी था। कितना गंदा बग है। इसका नाम फ्रैंक है और उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही गंदा है। ऐसे मत कहो। क्या ये टॉयलेट पेपर है? क्या ये लेटेस्ट फैशन है? मुझे शर्मिंदा मत करो। हंसना बंद करो। ऐसा हर किसी के साथ हो जाता है। इससे मुझे एक आइडिया आया। मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, शायद ये काम करे। चलो ट्राई करते हैं। टॉयलेट पेपर को फोल्ड कर देंगे इस तरह। अब मुझे ग्लू स्टिक चाहिए। इसे मॉडल के कमर पर लगाएंगे। अब इस पर टॉयलेट पेपर लगा देंगे। इस तरह प्लीट्स बनाएंगे। ऐसा पूरे पर करेंगे। बहुत सुंदर लग रहा है, पर इससे भी बेहतर हो सकता है। मैं टॉयलेट पेपर से सर्कल्स काटूंगी। ये अभी थोड़ी बेसिक लग रहे हैं, पर मैं इन्हें पूरा बदल दूंगी। मुझे एक पेंसिल चाहिए। सर्कल पर इरेजर को रखेंगे। बिल्कुल बीच में होना चाहिए। अब इसे इस तरह घुमाएंगे। अब ग्लू स्टिक पर इसे रब करेंगे। अब इसे ड्रेस पर लगा सकते हैं। बिल्कुल रोजेस जैसे लग रही हैं। एक मॉडल के बालों पर भी लगा देते हैं। ये बहुत फैशनेबल है। उसे कैटवॉक पर जाना चाहिए। चलो इसे चमचमाता हुआ बनाए। जेम्स जितने हो उतने कम है। कितना स्टाइलिश बन गया। मुझे ग्रानी को दिखाना होगा। उम्मीद है उन्हें पसंद आए। वो लाजवाब। मैं इसका मुकाबला कैसे करूं? हाँ, मैं जानती हूँ। फ्रैंक मेरी मदद कर सकता है। डरो मत, ये असली नहीं है। इसे यहाँ लगा देते हैं और इसके दोस्त को भी। ये काफी अनोखी ड्रेस बनने वाली है, पर फिर भी फैशनेबल तो होगी। वाह, मुझे पसंद आई। मदर नेचर को इस पर गर्व होगा। मतलब मैं तो पहन लूंगी। हे ग्रानी, ये देखो। ये क्या? एओ, ये असली ड्रेस है। वाह, तुम दोनों बहुत टैलेंटेड हो। एनी की ड्रेस दिलचस्प है। क्या ये बग्स हैं? याइक्स। ठीक है, अब लूना की बारी। ओह, बहुत चीक है। बहुत ही खूबसूरत है। इसकी विजेता लूना है। क्या? वुहू! सच पे? ने ने। वाह, ये पेंट कितना सुंदर लग रहा है। इस पर प्लास्टिक की शीट को प्रेस करते हैं। ओह, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। ये मॉडर्न आर्ट जैसा लग रहा है। चलो कुछ अलग ट्राई करें। इस पेंट को फैलाने के लिए मैं इस विंडो क्लीनर का इस्तेमाल करती हूँ। अब ये मेरी दीवार पर लगेगा। वेव पैटर्न बनाकर देखा जाए, बहुत बढ़िया है। इस बार पेंट के ब्लॉब्स इस्तेमाल करते हैं। इसे प्लास्टिक से खींचेंगे और कुछ इस तरह बनाएंगे। हम बहुत कुछ बना सकते हैं और हर पेंटिंग अनोखी होगी। मैं एक गैलरी खोल सकती हूँ और मैं अमीर हो जाऊंगी। बहुत बोर हो रही हूँ। ये कोई मजाक है? स्नैक टाइम। चलो इसे और दिलचस्प बनाएं। एलियो, ये आ रही है। पकड़ लिया। हाँ, मैं जानती हूँ, ये बहुत बढ़िया था। तुम ये कर सकते हो? अरे यार, ये तो मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। ये देखो, अब तुम हैरान हो जाओगी। ओह, मेरी आंख। ओह, तुम क्या कह रहे थे? प्रैक्टिस करते रहो, हो ही जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम रेनबो बनाओ और अच्छा होना चाहिए। मुझे रेनबो बहुत पसंद है। मुझे कलर्स पसंद नहीं है। अब हंसो ना, मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। ये कुछ जादुई है। तुम क्या कर रहे हो? कैसा नर्ड है। एनी, किसका इंतजार कर रही हो? शुरू करो। हाँ ठीक है, पर मुझे सिर्फ ब्लैक पसंद है। चलो जल्दी निपटाएं। अगर आपको रेनबो चाहिए तो मैं बना देती हूँ। वो सबसे अच्छा रेनबो होगा। मैंने बना लिया। मैं इसकी खूबसूरती दर्शाना चाहता था। आपको पसंद आया? हमारा वैनगो मिल चुका है। कैसा चल रहा है एनी? टडाओ! कोई बात नहीं, आप तालियां बजा सकती हैं। तुम्हें पता है ना रेनबो कैसे दिखता है? ओह, कैसी बकवास क्लास है। मुझे रेनबो से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड रुको, ये पेंस मुझे दो। मैं इन्हें रेनबो के ऑर्डर में अरेंज करूंगी। अब ग्लू गन चाहिए। पेंस को साथ में जोड़ देंगे। अब ग्लू के सेट होने का इंतजार करेंगे। चलो अब ड्रॉ करें। पेंस को इस तरह पेपर पर चलाएंगे और इनसे एक आर्क बनाएंगे। वाह, बढ़िया लग रहा है। कलर साथ में ब्लेंड हो रहे हैं। इसे ड्रॉ करना कितना आसान है। जी हाँ, अब ये पूरा नहीं हुआ। प्लास्टिक वॉलेट पर ब्लैक पेन से रेनबो बनाएंगे। रेनबो नहीं है, लो आ गया। कूल है ना? अब दिख रहा है और अब गायब। ओह, वापस आ गया। ये कैसा जादू है। वाह, कमाल है। मेरा काम पूरा हुआ। एक सेकंड रुको, तुमने मल्टी कलर टी शर्ट पहनी हुई है। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ ब्लैक पसंद है। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी मत कहना, नहीं तो मेरा मुंह बंद है।
मेरा होमवर्क पूरा होने ही वाला है। ये ड्राइंग बहुत सुंदर दिखेगी। सच में मुझे दिखाओ। नहीं, अभी भी काम चल रहा है, शांत रहो। ये हो गया और कितनी खूबसूरत है, आपको कैसी लगी? ओह ये तो, ये क्या है? क्या ये आलू है? जरा रुको, मैं थोड़ा टेढ़ा होकर देखती हूँ। ओह अब पता चला, ये एक डक है। क्या? नहीं, मैं जानती थी। मैं पास से देखती हूँ, और पास से देखना होगा। ओह ऑब्वियस है, ये एक लेमन है ना? नहीं ये लेमन नहीं है। ठीक है, मैं वही सोच रही थी। ये बहुत मुश्किल है, मैं क्या मिस कर रही हूँ? आप क्या कर रही हो? अरे हाँ ये बनाना है। अरे यार छोड़ो इसे। माफ करना स्वीटी, ये क्या है? ये पिकाचू है। सच में? अरे नहीं। ओह देखते हैं मुझे कौन सा ग्रेड मिला। F? ये बहुत बुरा हुआ। वो बहुत उदास होगी, पर लगता है मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। पिकाचू को यहाँ रखते हैं। अब पेंसिल को शार्प करेंगे। इससे मुझे याद आया, मुझे पेंसिल शार्पनर खरीदना है। ये बेहतर है। एक और पेंसिल लेंगे। अब इसके आसपास रबर बैंड बांध देंगे। दूसरे कोने पर भी ऐसा ही करेंगे। अब ऐसी इमेज बनाएंगे, बस लाइंस को फॉलो करना है। और दूसरी पेंसिल खाली पेज पर ट्रेस होगी। ये खुद बनाने से बहुत आसान है। लो ये बढ़िया लग रहा है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब हमें इसमें कलर करना है। तुम्हें कैसा लगा एवा? वाह ये परफेक्ट है। थैंक्स मॉम, मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहती। तुम्हारा दिन अच्छा जाए हनी, तुम्हें ए ही मिलेगा। ओ नहीं एवा रुको, बहुत भूख लग रही है, मुझे स्नैक चाहिए। टीचर बिजी हैं। यही मौका है, इमरजेंसी के लिए हमेशा मेरे पास यहाँ स्नैक रहता है। आ, ये रहा। जल्दी करना होगा, अगर उन्होंने ये देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। क्या वो कैंडी थी? हे इसे इग्नोर करो, आपने कुछ नहीं देखा। क्या? हिम्मत भी मत करना, आप मुझे नहीं रोक सकती। बहुत बुरा है एवा, मुझे भी बहुत शर्म आ रही है, पर कोई पछतावा नहीं, मैं सोचूंगी कि ऐसा हुआ ही नहीं। पर मेरा मन अभी तक नहीं भरा। शुक्र है मैंने ये चिप्स रखे हुए थे। ये काम आएगा, मैंने छिपा देती हूँ। ये पेंसिल होल्डर काम आएगा। बस आराम से बैठो, बिल्कुल मामूली तरीके से। क्या स्वाद है, मुझे इसी की जरूरत थी। अपना मुंह खोलो। ओह तुम कितने अच्छे हो। एक सेकंड, अजीब है मेरे पास एक और हाथ नहीं है। हेलो एवा, यहाँ चिप्स अलाउड नहीं है, तुमने सुना? ओह हाँ, पर आपने डोनट्स को तो ना नहीं कहा। वहाँ क्या हो रहा है? ओह कुछ और करो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। जो भी हो मैं बहुत तेज हूँ। पकड़ लिया। क्या खुजली हो रही है? कुछ ठीक नहीं है, वो बहुत तेज है। तो मुझे भी कुछ करना होगा, मैं जानती थी ये मैनिकिन काम आएगी। अब मुझे इसका मेकओवर करना होगा। जी हाँ वही देखती रहो, मैं यही तो ढूंढ रही थी। मैं इसके हकदार हूँ, इससे स्वादिष्ट डोनट मैंने कभी नहीं देखा। पिंक फ्रॉस्टिंग और स्प्रिंकल्स, ये तो आर्ट है। ये डोनट मत खाओ। मैंने कहा मत खाओ, कहा था ना? नहीं रुको, आप गंजी हो गई, ये मुझे दो। ओह ये बहुत गलत है, ये खा मत लेना। अभी के अभी छोड़ो एवा, इतनी मेहनत पढ़ाई में कर लिया करो। अब और नहीं समझी, अब मुझे मार्किंग करने दो। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पहले दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे। ऊपर की तरफ भी कुछ ऐसा ही करेंगे और अब एक वेव पैटर्न बनाएंगे इस पूरे पर। अब ऊपर के हिस्से पर पेंसिल से बनाने के बाद इसे पेन से बनाएंगे, इससे ही उभर कर आएगा। बस रफ ड्राइंग को फॉलो करते रहेंगे। मैं अब इसे खराब नहीं करना चाहती, ये बिल्कुल डोनट जैसा लग रहा है। पेंसिल से बने हुए को हम इरेजर से हटा देंगे। अब इसे कलर करेंगे, बस वेवी लाइन के अंदर वाले हिस्से को ही फिल करेंगे। ये होगी इसकी फ्रॉस्टिंग। मेरे मुंह में पानी आ गया है। और अब डोनट को कलर कर सकते हैं। मैं इसके लिए डार्क ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। स्प्रिंकल्स के लिए करेक्शन पेन इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉस्टिंग के ऊपर डैप करेंगे और थोड़ी शैडो बनाएंगे। बिल्कुल कोनों पर ही बनानी है, ऐसा ही स्प्रिंकल्स के साथ भी करेंगे, जिससे ये और असली दिखेगा। लगता है हो गया, अब अगली स्टेज की बारी। चलो इसे बदल देते हैं।
अब तुम मेरे हो डोनट। मैं इस ड्राइंग को बॉक्स में डाल देती हूँ। हाँ, कौन है? मैंने पक्का कुछ सुना है। क्या कुछ हुआ है? मैं तो बुक पढ़ रही हूँ। ठीक है, पर मेरी नजरें तुम ही पर हैं। किसे पता था बुक्स इतनी काम की हो सकती हैं? ये मेरा डोनट छिपाने के लिए बढ़िया है। जल्दी करो, अगली क्लास में चलो। आखिरकार वो चले गए, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये डोनट नहीं है, मेरे साथ खेल खेला गया। सेल्फी, बहुत क्यूट है। मैं क्लास के लिए लेट तो नहीं हो गया? क्यूट तो वो है, देखो केविन आया है। हे भगवान, मैं कैसी लग रही हूँ? हे केविन, यहाँ देखो। तो तुम यहाँ हो, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वाह, वो कितना प्यारा है, हम साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे बच्चों के नाम क्या होंगे? क्या फर्क पड़ता है, वो भी बहुत प्यारे होंगे। रुको, ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो यही कहोगी, मुझे चलना होगा। तो मैं अकेला हो गया। हे ईवा, जरा ये देखो, कितना फनी है। मुझे नहीं लगता। बहुत रूड है। ईवा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए पॉपसिकल लाई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये चॉकलेट है, तुम्हारी फेवरेट। नहीं, जाओ यहाँ से, ये पिघल जाएगी। हाँ, दोबारा ट्राई करते हैं। हम केविन। ओ, वो चली गई। रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले पेपर में से एक सर्कल काटेंगे, अब इस पर एक चेहरा बनाएंगे। ये हंसने वाला इमोजी होगा, ये क्लासिक है। अब येलो और पिंक सर्कल लेते हैं, इसे इमोजी के ऊपर रखेंगे। ऊपर वाले पर लव हार्ट इमोजी बनाएंगे। ये बहुत क्यूट है, जरा इसे देखो। अब दो और सर्कल्स बनाएंगे और एक और इमोजी बनाएंगे, ये वाला सैड फेस होगा। और खुश हो भी जाओ। इसके ऊपर एक पिंक सर्कल रखेंगे, उल्टा करेंगे और इस पर पॉपसिकल स्टिक चिपका देंगे। मैं बस खुश होना चाहती हूँ। ईवा, तुम्हें ये देखना चाहिए। अब ये क्या है? तुम ऐसी लग रही हो, हमें इसे बदलना होगा। वेरी फनी, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। आई लव यू, तुम मेरी बेस्टी हो। अब मुझे शर्म आ रही है। हाँ, मैं जानती हूँ, पर ये फनी है ना? हाँ है तो। माफ कर दो ईवा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जरा रुको, तुमने वो देखा? अरे यार, तुम बहुत फनी हो केविन। मैं, वो मेरे टाइप का नहीं है, ये तुमने बनाया। कितनी मीठी है, ये मेरी आर्ट में मुझे मदद कर रही है। यहाँ क्या हो रहा है? ओ, तुम्हें रोज पता है ना बच्ची, कोई कैंडी नहीं, वैसे भी इतना मीठा कौन खाता है। इसे क्या हुआ है? क्या तुम समझा सकती हो? बढ़िया, हाँ, मैंने ये खुद बनाया है, मेरे लिए भी बनाओ। आज यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? ओ, प्रिंसिपल, कैंडी लाना मना है, अब तुम्हारी पनिशमेंट। नहीं, रुको। वाओ, ये कैसी जगह है? जरा सुनिए, अब समय अपने यूटेंसिल्स चुनने का। एक बर्ड बनानी है, ये तुम्हारा पहला आर्ट चैलेंज है। जरा सोचने दो। ये स्कार्फ, ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? निकलो यहाँ से, सिली बर्ड। कम से कम इससे मुझे कोई मदद तो मिली। वैसे मेरे पास एक चीज है जैसे और अच्छा करेगा। ये इसके अंदर कैसे आया? जो भी है, जैसा मैं कह रही थी। हाँ, क्या ये कोई मजाक है? ठीक है, आखिरकार मेरा सामान। ओह बढ़िया, एक और बोरिंग बुक, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। गॉगल्स, इनमें से कोई भी सामान काम का नहीं है। ये सब मैथ्स क्या है? जैसे मुझे इनमें से कुछ पता भी हो। और दूसरी बात, मैं अपनी मदद के लिए नंबर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे उसकी बॉडी बनाने के लिए कुछ मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। और सर पर भी, ये बर्ड जैसी लग रही है ना?
जब तक इस पर कलर नहीं हो जाता इंतजार करो। क्या तुम ठीक हो मेरी लिटिल चिकिटी? मैं तुम्हें बहुत सुंदर फेदर्स दूंगी रेनबो के सभी रंगों के साथ। ये खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या आप इसमें नंबर्स देख सकते हैं? बढ़िया। और तुम? मैं कुछ बेकार मौसम में फंस गई हूँ, मैंने अब तक यही बनाया है। ओह, तुम ये राउंड जीती हो एनी। ओह ये, मेरे लिए शुक्रिया। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, काश मुझे पता होता कि ये होने वाला है। ओ, दूसरा चैलेंज है हमारे पास। मैं दिन भर काफी एप्पल्स देखती हूँ, मैं जानती हूँ कैसे शुरू करना है और ये बन गया परफेक्ट सर्कल। लेकिन मैं स्टेम कहाँ बनाऊँ? पूरे पेज पर तो सर्कल बन गया। दूसरा वाला लेती हूँ। मुझे कहीं से मदद की जरूरत है। रुको, मुझे एक बढ़िया एप्पल दिख गया। उनका ध्यान कहीं और लग रहा है, मैं जा रही हूँ। मिशन एप्पल इम्पॉसिबल पूरे इफेक्ट्स के साथ। मेरे पास हथियार है और मैं तैयार हूँ, बस बहुत ध्यान से इसको काटना होगा। हाँ, एनी क्या कर रही है, क्या कर रही हो? बैठ जाओ। माफ करना। ओ यार, मैं बस करने वाली थी। शायद जितना मुझे आता है वही ड्रॉ करना होगा, जैसे कि वर्ड एप्पल। ये आसान है, PPLE। एक मिनट, अगर मैं इस वर्ड को 5 से डिवाइड करूं या एक एप्पल से, तो मैं काफी अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलो 5 को थोड़ा बड़ा बनाएं। कौन जानता था कि एक नंबर से पूरा एप्पल बन जाएगा। आप जान भी नहीं पाओगे कि एक नंबर से स्टार्ट हुआ है, खासकर तब जब उसमें तुम कलर कर लोगे। बिल्कुल सही ब्लेंड करना है और ये बहुत अच्छा बन जाएगा। उप्स, स्टेम मत भूलना, थोड़ी सी शैडो बना दो और थोड़ी और डिटेल्स, और एकदम खाने लायक बन गया। क्या आप सहमत नहीं है? तारा, मैंने कर दिया। मैंने भी। कितना असली लग रहा है और कितना फ्लैट। खैर, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ब्रावो एनी, मैं जीत गई। हाँ, काश मेरे पास असली एप्पल होता। मेरे पास भी। उफ, किसी ने ये पहले से खाया हुआ है। उफ, हाँ, अच्छी बात है मेरा फ्रेश है। ओ, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, कितना हैंडसम है। वैसे तुम ये क्यों नहीं बनाती? अभी। ओह, ये शुरू हो गया। मैं डॉगी बनाने में एक्सपर्ट हूँ, सिर्फ सिर, बॉडी और 4 टांगे बनानी है। लेकिन ये थोड़ा डर लग रहा है ना? ओह, जरा मुझे दोबारा ट्राई करने दो, मेरे ख्याल से बड़ा बनाना बेहतर होगा। ओह, अभी भी बुरा है। हाँ, नहीं, अभी भी बेकार है। गो। ओ, हे या। हाँ? What? शांत हो जाओ। हे, मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपना हाथ का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि एक बार मैंने आउटलाइन बना ली तो डिटेल्स बनानी आसान होगी। विश्वास करो, ये बहुत अच्छा बनेगा। देखा, अब सिर्फ कलर करना बचा है और ये अच्छा बच्चा चॉकलेट ब्राउन वाइब्स दे रहा है। पिंक टंग मत भूलना, डॉगी का ट्रेडमार्क। टाटा, देखा तुमने, काफी अच्छे से बनाया है। और तुम्हारा? एनी? क्या? हाँ, कुछ नहीं बनाया। इसका मतलब आप जीत गई मिस एमा। ओह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। शुक्रिया। चॉकलेट डॉगीज, मैं इससे शुरू करूंगी। अच्छा दिख रहा है। कितना क्रीमी है। ये सही नहीं है। शांत हो जाओ बच्ची, एक ले लो। ओह, सच में? शुक्रिया। बिल्कुल, थोड़ा सा कुछ असली दिखना चाहिए। लेडीज, हे, ओह, इसके लिए माफी चाहते हैं। क्या हमें हाथ बनाना है?
ठीक है ठीक है, मेरे पास एक प्लान है, चलो देखें। ये हाथ काम करेगा लेकिन ये वाला काफी बेहतर है। हाँ, एक हाथ उधार लेने की बात हो रही है, मुझे बस इसे यहाँ ट्रेस करना है। ये राउंड मैं ही जीतूंगी। हे देखो, एक मिनट, सच में ठीक है, ये चीज मजेदार है। वैसे मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची। हाँ एनी, खैर ये अजीब था, वहाँ थोड़ी वैक्स महसूस हुई। हाँ परेशान मत करो, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। रुको, पता है क्या, ये काम आएगा। आर्ट एक इंस्पिरेशन है, कॉपी करना नहीं। और इन ट्विस्टेड फिंगर्स ने काम कर दिया, लाल नाखूनों ने जरूरी है ना? ये चीज काफी काम आ रही है। बन गया, वो कहाँ गई? ओह, वैसे भी हे हाथ दिखाओ। ठीक है, वो उन्होंने ये कैसे बनाया? इसके सामने मेरा कितना बेकार लग रहा है। हे भगवान, बहुत खूब, वो किसे हाथ दिखा रही है? मेरे प्राइस को। और वाओ, ये शानदार है, मैं आर्ट क्वीन हूँ। जलन हो रही है, बहुत बढ़िया, इसके बारे में सोचना भी मत। कैसे हो दोस्त, क्या तुम ये बना सकते हो? तो चलो शुरू हो जाओ, ये बहुत आसान होगा। इस राउंड में पिंक कमाल करके दिखाएगा। ओहा, पहले पेपर कप बनाओ। बबल गम पिंक मेरा मन पसंद है। ओह, उन्होंने साइज नहीं बताया, मैं कहूंगी ये 5 इंच है। और अब स्वादिष्ट हिस्से की बारी, कितना अच्छा है, लेकिन ग्रीन शायद बेकार चॉइस थी। हाँ, क्या ये आइसक्रीम है? मैं ये नहीं बनाना चाहती थी, तुम्हें सब्जियां चाहिए थी है ना? बहुत बुरी गलती थी, मैं कहूंगी जितना असली उतना बेहतर। बड़े क्रीमी स्कूप से शुरुआत करते हैं, कलरिंग हमेशा इसके बाद होती है, इस तरह तुम अच्छे से बना पाओगे। देखा, मैं ये कह रही थी, सारी डिटेल्स बनाना सही रहेगा। देखा आइसक्रीम, ये कप पर लिखा है। आखिरकार इसे कलर करने का समय है, ये आइसक्रीम मुझे भूखा बना रही है। यही होता है जब तुम कुछ असली ड्रॉ करते हो। लगभग हो गया, बस थोड़ी सी और डिटेल्स और हो गया, मैंने बना लिया। जरा इधर देखिए। हाँ, ओ जरा देखने दो, तो इसे कहते हैं मास्टरपीस। ये लो। हाँ, वो ये तो एक असली आइसक्रीम के बकेट में बदल गई। ये अब तक का सबसे अच्छा प्राइस है। ओह, ये टॉर्चर है, मुझे ब्रोकली पसंद भी नहीं है। की जैसा स्वाद आ रहा है। कोई उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहेगा? कोई भी आ सकता है, पर तुम्हें छोड़कर। निकलो यहाँ से, नी गंदी है। वो ये हुई ना बात, ये किसकी कार है? कोई बात नहीं मैम, मैं आ रहा हूँ, आ जाइए ध्यान से। कितनी लंबी राइड थी, आप फ्लावर लेंगे तो मुझे खुशी होगी। जाओ। ये क्या है, ड्राइंग कॉन्टेस्ट का इनवाइट? नहीं, ये हवा चल रही क्यों है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओह, ये क्या है, एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट? शुक्रिया, ये मुझे दो। ये देखो तुमने क्या किया, लगता है अब ये दोनों जाएंगे। ठीक है, तो हम ड्राइंग के लिए तैयार हैं। रेनबो से वार्म अप करते हैं। एक रेनबो? हाँ, कुछ ज्यादा ही वार्म अप है। ओह, मैं जानती हूँ, मेरा ये बैग आखिरकार काम आ गया, देखते हैं। हे लिटिल गार, नहीं, गुड बॉय।
मैं यही ढूंढ रही थी। जादू के लिए तैयार हो? देखो ये कलर्स एक रेनबो बनाएंगे। कुछ ब्लॉक से शुरू करते हैं। हाँ हो गया, खैर लगभग बढ़िया। चलो इसे काम पर लगाएं। ये कितना सैटिस्फाइंग है ना। आपके पास जो भी हो उससे कुछ ऐसा बनाना बड़ी बात है। लो, थोड़ा गंदा हो गया। अब टेप को हटा देंगे। एकदम साफ और स्मूथ लाइन आ गई। खैर तीन स्मूथ लाइंस। हो गया, मदद के लिए शुक्रिया। कितना इम्प्रेसिव है ना। हाँ ठीक ही है, ले आओ। हेलो, क्या सब मुझे खुद ही करना पड़ेगा? इतना सुंदर है, जाओ। मुझे यहाँ थोड़ी जगह चाहिए। दिलचस्प है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब यहाँ देखो और सीखो। ये कलर्स के साथ कितना सुंदर लगता है ना। देखते हैं अब आगे क्या होगा। देखा, मैं भी कभी कभी काम करती हूँ। जब ये हो जाए तो हमारे पास बचती है रेनबो सैंड। इन वाइब्रेंट ह्यूज को तो देखो। टडा, तुमने तो कमाल कर दिया। ओ, अब ये पूरा नहीं हुआ। ये वो डांसिंग रेनबो गाय है, इसमें जान डाल देते हैं। दोनों ही दिलचस्प है, इसीलिए तुम दोनों जीतती हो। ठीक है। क्या ये हमें कोई चैलेंज देंगे भी या नहीं? ओहो, ओ, गैजेट, समझे? एक गैजेट? हाँ ठीक है, कुछ मत कहो, मैं एक लड़के को जानती हूँ। आ भी गया। वो कितना प्यारा है ना, पर कुछ चीजें बदलनी है। ये ठीक है, अब चलो काम पर लग जाए। और शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। क्या जो मैं देख रही हूँ वो सच है? हाँ ये लाजवाब है, मैं जानती हूँ। चलो अब ड्रॉ करो लिटिल गाय। पर हर आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, तो ये लो तुम्हारे लिए। तुम एक छोटी सी किटी बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये हमेशा एक परफेक्ट सर्कल बनाएगा। इसे पहचाना? बस एक मिनट दो, वो बना ही रहा है। इसकी परफेक्ट लाइंस तो देखो। ये क्या चीज है? ये नहीं चलेगा। रोबोट्स भी भला आर्ट बना सकते हैं? लगता तो है। क्या हो गया? और जरा देखो, और देखो, ये परफेक्ट है। खैर मैं भी कर सकती हूँ, बस शेप्स ठीक बनानी है। देखते हैं, बस इसे जोड़ना है और हो गया। बस ये प्लास्टिक का पीस लगाएंगे और पिक्चर फोन पर। और पूफ, हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। इन्वेंटिव है ना, बस दिमाग चलाने की जरूरत होती है। बस होने ही वाला है। ये कितना क्यूट लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। क्या बकवास है, तो कौन जीता? ये तो ऑब्वियस है, नायोमी। अरे वाह, मतलब क्रिएटिव होना ही काम आता है। बकवास रोबोट, अब तुम कचरे में जाओगे, सुना तुमने? नहीं, तुम ही कचरा हो। क्या तुमने मेरे लिए कुछ बनाया? क्या ये कोई मजाक है? टेक्नोलॉजी की वजह से आज मैं हार गई। अब क्या करें? हेलो, ओह हाँ बिल्कुल, अगला राउंड है ओरिगामी का। फ्यू, ओरिगामी ठीक है।
शुक्र है मैं हमेशा अपने साथ पेपर रखती हूँ। मजाक था, मेरे बटलर ने दिया है। मुझे पेपर ऐसे चाहिए जो कुछ काम के हों, और गोल्ड ज्यादा बेहतर है। ये देखो, वो क्या ये असली है? मैं काम पर लग जाता हूँ। जी हाँ, ये इसमें डालेंगे। ये गर्म हो रहा है। वो ये गोल्ड में बदल गया। पर यहाँ रुके क्यों? तुम इसमें जाओ। हे भगवान, हाँ ये जरूर काम किया, कमाल है। मिस बेरी, थैंक्स शेफ। कितनी गलत बात है, मेरे पास भी पेपर होगा। ये गोल्ड नहीं है पर चलेगा। जादू देखने के लिए तैयार हो दोस्तों? याइक्स, इस पेपर पर तो रिंकल्स हैं। अच्छा मैं जानती हूँ, पर मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। ये ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा। नहीं, जैसा हो गया। जो भी हो, मेरे पास और भी चीजें हैं। बस इसे ध्यान से फोल्ड करेंगे और फिर देखना ये क्या बनता है। कुछ मार्क्स यहाँ बनाएंगे। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, आखिर में सब समझ आ जाएगा। अब समझ आया, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। हाँ? अरे शांत भी रहो, बस कुछ लाइंस यहाँ बनानी है और इस तरफ भी कुछ ऐसी ही। फ्लैप्स को फोल्ड करते रहे और लाइंस बनाते रहे। लो, हो गया। जैसा तुम कहो, कलर प्लीज। अब ये डांस कर सकते हैं, देखो हम इसे इस तरह नचा सकते हैं। मेरा तो ये पूरा नहीं हुआ। या फिर पहले इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इस तरफ से नीचे तक करते जाएंगे। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और इस तरह बनाते जाएं। इसे बंद कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। समझे कि ये क्या है और इस पे हम एक बनी बनाएंगे। तो प्यारा है ना, चलो। और इसका एक बेयर फ्रेंड होना चाहिए। प्यारा है ना। अब इसमें कलर करते हैं, ब्लू और ऑरेंज साथ में अच्छा लगता है। अब हम अपने दोस्तों पर भी करेंगे। कलर करते ही इनमें जान आ गई। एक आखिरी चीज, अब पेपर को फोल्ड करें। टडा, सब हो गया। ये मुश्किल है पर ये बैलरीना, तुम जीतती हो। और मेरी क्यूट क्रिएशन को क्या होगा? आपने आर्ट को, ये मूवी बहुत डरावनी है। चैनल बदल दो जल्दी। हाँ, तुमने इसे यहाँ रखा था? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? एक असली पर्ल, कितना चमकदार है। मैडिसन, यहाँ क्या चल रहा है? वो ये आउटफिट कहाँ से आई? हे, शायद मुझे कुछ मिला। ये मैं हूँ ब्रायन, शायद मैं ही हूँ। बालों को देखो, वो तुम्हें मजा आ रहा है दोस्तों? खैर, इस दिन ने क्या मोड़ लिया है? ये देखो, स्पिन करना चाहोगे? ये समय है एक और ड्राइंग चैलेंज का। वन टू थ्री, और हमें ब्लू शेल मिला। ओ, मेरी फेवरेट किटीज। आला कज़म, चलो भी ये लो। वो ये कैसे करते हैं?
अंदर क्या होगा? एक गोल्ड कॉइन। तुम ट्राई करो। मुझे पूरी बाजू अंदर नहीं डालनी। मैं कुछ महसूस कर पा रहा हूँ। ये तो असली किटी है। हाँ, ये कितना प्यारा है। हाँ, इसका नाम क्या होगा? हमें इसे मार्शमेलो बुलाना चाहिए। शायद, पर मुझे ये क्यों मिला? मुझे पता है, मैं इसे अपनी खुद की कैट बनाऊंगी। मुझे बस परफेक्ट हाफ सर्कल चाहिए। अब सब बनता जाएगा और हर चीज समझ आ जाएगी। देखो ये कैसे बन रही है। बस कुछ शेप्स कितनी जबरदस्त चीज बना सकते हैं। और थोड़ा रंग भी भरना है। बस कुछ और एक्सेंट्स और हो गया। कितना प्यारा है। इसके लिए शुक्रिया। वो मेरा बच्चा कौन है? मार्शमेलो? तुमने कुछ ड्रॉ नहीं किया। मेरा ध्यान भटक गया था। अपनी किटी क्रिएशंस दिखाओ। खैर, ये शर्मनाक है। ये मेरा सबसे अच्छा काम है। म्याऊ। ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया। तुम इंस्पायर नहीं हुए ब्रायन? हाँ, मार्शमेलो। चलो एक और स्पिन करें। इन्हें देखो। ऑरेंज। ये सरप्राइज राउंड है। मैं समझी नहीं। मुझे चुनो, मुझे पता है। एक फिशिंग पोल। नहीं, रुको, मैं समझ गया। हाँ ब्रायन, एक गाड़ी है ना? नहीं, गाड़ी नहीं, ये यूनिकॉर्न है। मैं ही बना सकती हूँ। मेरे पास ये बहुत सारे हैं। मेरे फेवरेट, देखो। ये लड़की पागल हो गई है। कूल है ना? ठीक है, समय शुरू होता है। यूनिकॉर्न्स बनाना इतना भी मुश्किल नहीं हो सकता। बस बहुत सारे रंग चाहिए और प्लास्टिक पर मार्कर सूखते नहीं है। तो जब आप इन्हें साथ साथ में कलर करेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे तो ये आपस में मेल्ट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर एक और पेपर रखें और एक कूल टाई डाई इफेक्ट पाएं। अब आप जो भी ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल जादुई दिखेगा। और आप इसे काला भी रंग सकते हैं। देखो ये अलग अलग रंगों के बीच में कैसे उभर के दिखता है। काफी बढ़िया है ना? क्या समय हो चुका है? मेरा बन चुका है। हाँ, तुम ये कह सकते हो। मुझे बहुत पसंद आया। और तुम्हारी ड्राइंग कहाँ है? तुमने कुछ नहीं बनाया मैडिसन? मैं इनमें से कुछ कैसा रहेगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे वो उदास अच्छी नहीं लगती। ये लो, मेरी ड्राइंग चाहिए। यूनिकॉर्न्स कभी काफी नहीं लगते। ओह, कितना प्यारा है। तुम इसके लिए तैयार हो? पिंक का मतलब है एक ईगल। अभी पूरा नहीं हुआ। क्या क्या इसका कुछ मतलब है? क्या ये सीक्रेट कोड है? मैं देखती हूँ। कुछ सोचना होगा। मुझे लंच में क्या खाना चाहिए? वो क्या करना चाह रही है? मेरा हाथ दर्द हो रहा है। हो गया। डॉट्स ईगल बनाएंगे। अब बस मुझे इसे कलर करना है और जल्दी ही करना होगा। अच्छा लग रहा है और बन गया दोस्तों। हो गया। ओह, बिल्कुल टाइम पर। ये देखो। ओह, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ओह नहीं।
मैंने माइंड फ्री स्टाइल किया और ये स्पार्कली भी है, आपको पसंद आया? ये मर्मेड बर्ड की तरह है। ठीक है। अपनी पेंसिल्स तैयार रखो, चलो देखें। ये आया पर्पल, जिसका मतलब है मंकी। वाह, तुम तैयार हो? हे, उसे मंकी चाहिए। वाह, ये बहुत बढ़िया है। ओ आ आ, मंकी मत बनो, बकी बनाओ। ये क्या कर रही है? हे, मदद करोगी? शायद, मैं देखती हूँ। मंकी बनाना मुश्किल नहीं होता। क्या ये सुंदर नहीं है? मैं तो उसे सुन पा रही हूँ। वाह, तुम कितनी अच्छी हो। अब मेरा। बस एक मिनट, टाइम बहुत जरूरी है। मेडिसिन ये मैंने खुद बनाया, अच्छा लगा। हाँ, और ये रहा मेरा। ये तो एक जैसे लग रही है, जैसे एक आर्टिस्ट ने बनाई हो। बहुत अजीब है। ये मेरा है। ओह अच्छा, ठीक है, तुम ये ले सकती हो। ये मेरा है, देखो, मुझे बहुत गर्व है। एक और ड्राइंग आने वाली है, तुम इसके लिए तैयार हो? येलो का मतलब है स्क्वायर। गुड लक। मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं ये प्री स्कूल में करता था। वो किसी ने ज्योमेट्री पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया। मैं ये नहीं करूंगा, ये ज्यादा बढ़िया है। ये अच्छा होगा, चलो उन्हें देखें। एक स्क्वायर, ये कोई शेप भी है? ये कुछ तो है। स्क्वायर। शुक्रिया कैप्टन ऑब्वियस। अब ये दिख रहा है। वो तुमने ये सॉर्सरी देखी? ओह, ये तो जबरदस्त है। मैंने अपना अभी फोल्ड नहीं किया। देखो अब दिख रहा है, तुमने मेहनत तो की ब्रायन। स्टूपिड स्क्वायर, मुझे दिखाओ। ये बहुत आसान है, बस ये फॉलो करो। अब जो लाइंस तुमने बनाई है उन्हें जोड़ दो। ये शेप में आता हुआ नजर आ रहा है। वाह, तुम जैसे आर्टिस्ट में बहुत क्षमता है। खेलने के लिए शुक्रिया। वो, क्या तुम मानोगे, हमें इसके बारे में सबको बताना चाहिए। ये ब्रायंस का है। ओह, मैं इसे देखने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रही। अगला क्या है? कम से कम मेरा सामान तैयार है। आहा, जैसा तुम कहो। हाँ, हाँ, कौन है? वाह, बढ़िया, चलो करें। मैं एकदम से इंस्पायर्ड हो गई। इमोजी का मतलब शेप्स के साथ मजे करना। मैं एक मीन सर्कल बनाऊंगी। आहा, मैं थोड़ी ज्यादा हेल्प इस्तेमाल कर सकती हूँ। फ्रेश जार पेंट जैसा कुछ नहीं। हे, ये क्या है? तुम्हें परवाह नहीं है, है ना? वाव, विश्वास नहीं होता। हाँ, ये दिलचस्प है। एक मिनट रुको, मैं इसे नई तरीके से करूंगी। इसके अंदर आओ येलो पेंट। बढ़िया, और अब यहाँ से मजे होंगे। इसे भरो। वुहू, जरा इन्हें देखो। क्या आप सोच सकते हो मैं क्या बना रही हूँ? एक इमोजी, याद है? ये जरूर अलग होगा। ए वेंडी, ओह, मुझे लगा तुम नहीं कर पाओगी। मुझे नहीं लगता ये इसे मात देगा।
मुझे पता है ये बढ़िया है। काश ही मैंने सोचा होता। और उन्होंने फूल से पूरा फ्लोट बनाया था। पागलपन है ना? हाँ? कैसी हो लेडीज? हाँ? ओह, हेलो। हम बस अभी फ्लावर्स के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं सुंदर नहीं हूँ? बस भी करो। ठीक है, हम तुम्हें ड्रॉ करेंगे। हे भगवान। लेकिन कैसे? मेरे पास ब्रशेस नहीं है। विंडी बुरा नहीं मानेगी अगर मैं एक ले लूं। क्या मानेगी वो? ये वाला भी काफी अच्छा है। बढ़िया, अब एक मोटी लाइन बनानी है। हे, ये मेरा ब्रश है जेनिफर, तुम्हारा नहीं है। नहीं! देखो तुमने क्या कर दिया। मेरे ख्याल से मैं कुछ अलग इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत ही अलग। पहले बोतल का निचली हिस्सा पेंट में डुबोए। अब इसे फूल बनाने में इस्तेमाल करें। काफी आसान है, आपको नहीं लगता? बस थोड़े और। काफी अच्छे से राउंड हुआ है। ऐसे दूसरे और कलर्स इस्तेमाल करो। ये काफी अच्छा दिख रहा है। देखो, बुरा नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं ये ठीक कर सकती हूँ। मेरा काफी अच्छा बना है वैसे। ये सही नहीं है। कम से कम तुमने पूरी कोशिश करी मेरे लिए। तुम बहुत अच्छी हो जेनिफर। पेंट वाले हाथ, तुम बाद में मेरे गले लग सकती हो। ये मेरे क्रश के लिए मेरा प्यार है। उम्मीद है उसे पसंद आए। तो ये लो। कैसे हो डेविड? बढ़िया। किसने मुझे क्या लिखा? हाँ, मैं भी कुछ करना चाहूंगा। तुम ही मेरा प्यार हो। देखते हैं। गो! मेरे बुक्स। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कितना सॉफ्ट है। वाह। मेरी बुक्स। ओह हाँ। तो हाँ, थैंक यू। लगता है मुझे प्यार हो गया। रुको, मैं जरा उसे देख लूं। हाँ, ये लड़का मेरा कुछ तो लगता है। ओह, मैं यही लिखता हूँ। मैं उसे याद दिलाऊंगा जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। बस बन ही गया। बढ़िया। वाह, मुझे याद है। तुम कितने प्यारे हो। लव यू बेबी। आर्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करना भी जरूरी है। सब आ गया। चलो अब इसे एक आर्ट में बदलें। पहला स्ट्रोक हमेशा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्लू यहाँ करेंगे, काफी बढ़िया लग रहा है। या फिर नहीं, ये क्या बकवास है। नहीं, शुक्रिया, मेरे पास और पेपर है। ओह स्मूथ, ये तो पहले वाले से भी बुरा है। ओह, चलो अब फोकस करो। ये क्या मजाक है, मैं एक फ्लावर नहीं बना पा रहा। ठीक है, शांत रहो, गहरी सांस लो, मैं कर सकता हूँ। मैं कर दिखाऊंगा। तो चलो आराम से, आराम से। अच्छू! हाँ, ये तो बुरा हुआ। एक मिनट रुको, कितनी बढ़िया शेप है। मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। पेंट ब्रश को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने से कुछ अलग ही डिजाइन बन सकता है। और हम बनाएंगे पेटल्स। जब ये पूरा बन जाए तो ग्रीन कलर से लीव्स बनाएं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। इन्हें थोड़ा लंबा बनाना है। इन्हें साथ में भी जोड़ सकते हैं। इससे अच्छे से फिल हो जाएगा। मैं जानता था मैं ये कर सकता हूँ।
वाह, तुमने खुद बनाया है। तुम देखो ना एनी, मेरे पास करने के लिए और भी कुछ है, और इस बार मैं एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करूंगा, पर हमारा थीम वही रहेगा। देखा, इन स्ट्रोक्स के साथ लीव्स बिल्कुल असली लग रही हैं। इन्हें आराम से बनाएं। आप ग्रास भी बना सकते हैं, देखें। अगला हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस तरह के पॉपी पेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि मजेदार टेक्सचर्स बन सके एक बलून के साथ। इतना सैटिस्फाइंग था ना? अब इसे स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करें और आपको मिलेंगे मजेदार और एकदम अनोखे फूल। ये मत भूल जाना, कूल है ना? शानदार, तुम्हें कैसा लगा? डेविड, तुमने कैसे बनाया? मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है। ओह, ये पिक्चर कितनी अच्छी है, इसे फ्रेम कर लेना चाहिए। और यही क्यों रुकना, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या कहा? ओह सुजन, तुम बहुत बुरी हो। समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, मेरा पेपर। मेरी गलती है। ओप्स, देखो आपने क्या किया, अब ये खराब हो गया। Hey, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? कभी कुछ ऐसा देखा है जो गलती से अच्छा बन जाए? Wow. मैं? हाँ, अलग अलग साइज के भी कर सकते हैं। कमाल है, तो ठीक है, यहाँ पर कितने फिट आ जाएंगे? जितने ज्यादा तुम चाहो। बहुत मजा आ रहा है। तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस वो सर्कुलर होना चाहिए। क्या हमने कर लिया? कितना कूल लग रहा है ना? क्या बात है, मेरा प्यारा आर्टिस्ट। किसी को पता था साइंस इतनी इंटरेस्टिंग है? ओह, मैसेज आया। नहीं, मैं जीना का बर्थडे भूल गया, मुझे उसके लिए गिफ्ट लाना होगा। मैं यहाँ क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, देखते हैं। अब मुझे बस गिफ्ट चाहिए। वाओ, आउच। हे, मैं रिबन इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाद में बहुत दर्द होगा। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। सही जा रहा है। लो, अच्छा लग रहा है। मैं इसमें और क्या डालूं? एक डॉल। ओ, एक और डॉल, मुझे यही तो चाहिए। नहीं, फूल। ये अच्छा आइडिया है, ये खूबसूरत है। ये बीज कहाँ से आ गई? उन्होंने मुझे काट लिया, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये एक अच्छा आइडिया है। तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। चलो भी सोचो। ओह, मैं समझ गया, मैं उसके लिए जर्नल बना सकता हूँ। पहले एक आम सी नोटबुक लेंगे, बैक कवर खोलें और कोने पर ग्लू की पतली सी लाइन डालें, साइड और नीचे की तरफ भी ऐसा ही करें। अब हमें एक पिंक रिबन चाहिए, इसे ग्लू पर लगाएं। पेज के नीचे की तरफ और ज्यादा पिंक रिबन लगाएं। जब ये हो जाए तो हमें ग्रीन रिबन चाहिए, और अब इन ग्रीन रिबन को पेज के साइड लगाएं और गैप ना छोड़ें। इन्हें बिल्कुल साथ साथ लगाएं। अब इसे उल्टा करें। अब पिंक रिबन को इस तरह फोल्ड करें और ग्रीन रिबन को पिंक रिबन के बीच से निकालते जाएं। हर रिबन के स्ट्रैंड से पूरे नोटबुक पर ऐसा कर लें। ये बन गया लैटिस इफेक्ट। अब नोटबुक को खोलें और बिल्कुल ऊपर की तरफ ग्लू लगाएं। जो फालतू का रिबन है उसे फोल्ड कर दें और ग्लू से चिपका दें। ध्यान रहे कि अच्छे से चिपक जाए। अब इसके ऊपर दोबारा ग्लू लगाएं, रिबन के बिल्कुल ऊपर ऊपर। इन्हें बस तीन कोनों पर ही करना है। अब इसके ऊपर एक कार्ड की शीट लगा दें, अच्छे से दबाएं ताकि ये टिका रहे। लो, एक होममेड जर्नल। उम्मीद है जीना को पसंद आए। मैं जीना के बर्थडे के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। वाह, श्रेडेड पेपर। थैंक्स,
सच में बॉक्स पे तो देखो। ओह अच्छा, थैंक यू, तुम सबसे अच्छे हो। मैं जानता हूँ। आपके हिसाब से सबसे अच्छा आर्टवर्क किसने बनाया, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।